और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जनता जिस प्रकार से अब राजस्थान की परिवर्तन की जो हवा चली है उस हवा। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। आप देख रहे हैं ना, लगातार देख रहे हैं कि पिछले 5 दिन से माननीय भूपेंद्र जी जब दिल्ली बॉर्डर से निकले थे, हरियाणा के अंदर गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, उसके बाद में अलवर, और आज अलवर से होते जयपुर ग्रामीण, और उसके बाद जयपुर, और उसके बाद अजमेर, इन सभी जिलों के अंदर भव्य स्वागत माननीय भूपेंद्र जी का, और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित इस प्रदेश की जनता ने किया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जनता जिस प्रकार से अब राजस्थान की परिवर्तन की जो हवा चली है, उस हवा को गति देने में जनता का पूरा पूरा योगदान है। और आने वाले समय पर जब भी राजस्थान प्रदेश के चुनाव होंगे तो कमल का फूल खिलेगा, और एक अस्थायी रूप से मैं कहता हूं 5 साल की सरकार में आने वाले अनवरत सरकार चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये प्रधानमंत्री जी का जो गरीब कल्याणकारी योजना है, देश को जो चलाने का उनका संकल्प है, उसको आशीर्वाद है। हम तो निमित्त मात्र हूँ। अजमेर पहुँचे, कितनी लोकसभाओं में यहाँ पे आपकी जनता? अभी तक 8 लोकसभाओं में है, आज अजमेर पहुँची। और आपको देखा होगा कि अजमेर में जो यात्रा 3 घंटे की थी, पूरे 8 घंटे में जाके हुई। जगह जगह लोग, हमारे युवा साथी, ग्रामीण, शहर, सब लोग इस यात्रा के स्वागत के लिए आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, उस संकल्प के लिए सब लोगों ने हमारे साथ सामूहिक रूप से अपने संकल्प व्यक्त। आगामी समय में मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है? ये गलत है, निराधार है, मेरे पास इस तरह का कोई विषय नहीं। सर, कोई नया प्रोजेक्ट अगर आपकी? मैं सब लोगों से चर्चा करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं अजमेर की सेवा में हमेशा रहूंगा। ये अलग बात है कि प्रेरणा राहुल गांधी से लियो, क्योंकि उन्होंने मनमोहन सिंह का भी एक विधायक इसी विधेयक।